देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। प्रधानमंत्री को बांदा डीएम के द्वारा संबोधित ज्ञापन सौंपा। जी हां, बांदा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई थी, महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाया, भरपूर मेहनत किया। इसके अलावा टीएचआर एवं सामुदायिक शौचालय का कार्य भी सौंपे गए। 3 साल लगभग जिम्मेदारी उठाते हो गया, लेकिन अब तक मेहनत का मेहनताना नहीं दिया गया। स्वयं सहायता समूह की संबंधित विभाग के अधिकारियों के लगभग 2.5 वर्ष से चक्कर काट रही हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के पति जो मजदूरी करके लाते हैं, उसे मजदूरी से सरकार का काम करना है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि हमारी मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा की स्थिति में आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बोर्ड का बहिष्कार करेंगे और सरकार के द्वारा जो हमको कार्ड की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब हम बिना मजदूरी के कार्य नहीं निभा पाएंगे। अगर हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से मजदूरी मांगने जाते हैं तो हमको अधिकारियों के द्वारा धमकी दी जाती है कि तुम्हारी फिर लिखवा दी जाएगी और हमको अवध शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे देखते हुए NRLM मिशन के तहत THR में काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, संबंधित विभाग के अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही भी किया जाए। ज्ञापन में 100 से ज़्यादा महिलाएं उपस्थित थीं। शालिनी सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश, शारदा देवी, सुमन देवी, कमला देवी, सुशीला देवी, आरती पटेल, कमलिया, संगीता देवी, किरण, पुष्पा, विनीता, सीमा, श्याम, काली, संगीत, चंद्रकांति, आशा रंजन, रोशनी आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। देखा इस रिपोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। अभी 10-12 दिन पहले हमने महिलाओं ने एक और ज्ञापन दिया था, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रहे हैं। अभी तक 3 साल से ये महिलाएं भटक रही हैं, लेकिन अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे? उधर हमारी सरकार कह रही है कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार के जो अधिकारी निष्पक्ष काम कर रहे हैं, महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। जो अगर सरकार अगर आपकी बढ़ावा दे रही थी तो फिर महिलाओं को सड़कों पर क्यों करना पड़ रहा है? हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, और महिला बाल विकास मंत्री केंद्रीय हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये महिलाएं नहीं है? आप सिलेंडर लेकर के नाचने वाली कम से कम आई है, ये महिलाओं को दुख दर्द को समझिए। और हम लोगों ने ठाना है कि अगर इनका भुगतान नहीं होता जल्दी, तो फिर 2024 आने वाले 2024 के चुनाव में इस देश की महिलाएं ये मौजूदा सत्ता को जवाब देंगी और अपने वोट के माध्यम से हम लोग दरकार नेता का। किस तरह की मांगे हैं? हमारी मांगे है कि जिन्होंने सामुदायिक शौचालय में जिन्होंने काम किया, सुबह से इन्होंने जग कर करके छोटे छोटे बच्चों को जो है छोड़ करके सुबह से 4 बजे से शौचालय खोल, आंगनबाड़ी को जो राशन आता उनके घर तक पहुंचाया, अपना किराया भाड़ा लगा करके, लेकिन मौजूदा सरकार के साथ जो मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग लखनऊ जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं है। तो इस देश की महिलाएं हम वीरांगना बन करके जो है ललका देंगे मौजूदा सरकार। हम जो माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।